मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी टाइम हो रहा है 9:30 और आज है मंगलवार और नहाने वाने के बाद पूजा मेरा हो चुका है और आप लोगों को जरा जरा सुनाई दे रहा होगा लेकिन मैं अभी नहीं सुनाऊंगी इस चीज को। बज रहा है बाहर गाना किशोर कुमार का क्योंकि मेरा फेवरेट है वो, तो कभी कभी मन करता है सुनने का, तो चलिए पहले ऑफ कर देती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बस अभी ऑफ कर दिया क्योंकि पता है मुझे गाना वाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि टीवी के लिए स्पेशली एक जगह बैठो उसके बाद देखो, मतलब बाद देखो सॉरी। तो मैं इस वजह सोचती हूँ कि गाना वाना सुन के अपना मेरा जो भी काम वम रहता है मैं सारा मतलब डस्टिंग वस्टिंग का सारा चीज मैं निपटा भी लेती हूँ और सारे काम हो चुके हैं मेरे और बस नाश्ता वास्ता है तो आई है, मेड बना रही है। वो माँ ने कहा कि तुम नहीं लगोगी अब उनके साथ, सख्त हिदायत है, तो मैं अभी एकदम रेस्ट में हूँ। बोले कि नहीं, वैसे भी आप लोगों को पता था कि 2-3 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई थी, फीवर जैसा लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, वीकनेस जैसा हो गया था, तो इस वजह से हो भी रहा है कि नहीं तुम लगो मत लगोगी, तो फिर बात सही भी होता है कभी कभी। लेकिन मुझे पता है कभी ऐसा मतलब हुआ नहीं आज तक कि मेरी घर में कोई भी मेड हो और बिना लगे मैं उससे कोई भी काम करवा लूं, लेकिन अभी 2-3 दिन देख रही हूँ। माने कहा कि जो तुम बताओ बस वो बना के देगी तुमको, तुम लोगों को, तो ऑब्वियसली माँ है तो माँ की बातें काटना भी ठीक नहीं होता है। और मैं बिना पता कभी कभी ऐसी सब्जी आती है कि मुझे खुद से बनानी पड़ती है इस वजह से। और पता है मैं कल गई थी थोड़ा सा बाहर और मैंने लिया है थोड़ा सा हेयर कट, अपना हेयर कट करवाया है क्योंकि हेयर कट सिंपल सा है जैसा था बिल्कुल वैसा ही, पर थोड़ा सा ट्रिम करवाया है पीछे से क्योंकि बाल को अगर ट्रिम नहीं करवाओ तो वो बढ़ेगा नहीं, आपको भी पता है। तो बस इस वजह से मैं 2-3 महीने में एक बार जरूर करवा लेती हूँ ट्रिम, और तो बस यही है। और चलते हैं फिर, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और कहीं का कुछ नहीं किया है क्लीनअप में, क्लीनअप में इन सेंस की मतलब यूके रूम का भी चादर वादर बिल्कुल ठीक नहीं किया है। सर आ चुके हैं बाहर भी इसी तरह है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, कुछ कंबल रखने हैं, कुछ चादर बाहर का चेंज करने। आज मैं सोच रही थी ना कि सोफा कवर चेंज कर दूं क्योंकि अभी होली आने में काफी टाइम है, तो इस वजह से मैं सोफा कवर सोच रही हूँ चेंज कर दूं। बाहर जाते जाते रुक गई बातें करने और कभी गुनगुन को अभी पढ़ा रही थी, सर आ गए तो मैंने बोला चलो तुम लोग भी लग जाओ काम में और मैं भी लग जाती हूँ, और दूध का ग्लास यही पे रखी है मैडम पी के, तो चलते हैं फिर बाहर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंक की सफाई कर रही हूँ क्योंकि नहाने के पहले मैं अक्सर तो कर ही लेती हूँ लेकिन कभी कभी जब भूल जाती हूँ ना तो मतलब कर लेती हूँ, तो वैसा नहीं है कि मतलब उसके पहले ही करती हूँ। और यहाँ पे किचन में मैंने सोचा कि थोड़ा सी चलो आज किचन से अगर मैं फ्री हूँ तो चलो यहाँ पे कुछ काम कर लेती हूँ, काफी दिन हो चुके थे किचन नीचे से साफ करना क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना जहाँ पे बार बार सब लोग आना जाना लगा रहता है दिन भर, तो मेड आई हुई तो मैंने बोला कि चलो आज किचन सफाई कर लेते हैं, तो उसने कहा कि चलो भाभी ठीक है कोई नहीं, तो यहाँ पे जहाँ से सिंक का पानी निकलता है तो वहां पे मैं ऐसे बोल रही हूँ पहले इसको क्लीन कर लो उसके बाद, और यहाँ पे जो टाइल्स क्लीनर होता है उसको डाल के मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन अप करवा रही हूँ और फ्रिज साइड में कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो मेरा फ्रिज है वो स्टैंड पे नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी धोने वोने में प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं धोना मतलब धोने की सी जरूरत होती है तो इसे साइड कर लेती हूँ, और साइड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मतलब जो वहां का फर्श है उसे अच्छे से मतलब क्लीन करवा के और धुलवा देती हूँ। तो ऐसे होता है ना कि जैसे कि मतलब किचन साफ दिखता है, और मतलब किचन कहने को किचन में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बाहर से भी कर रही, तो वहां पे मेड को मैंने बोला कि चलो इतना तुम कर दी उसके बाद मैं अब इसे वाइपर से पानी डाल के और सफाई का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी जस्ट सर चले गए हैं और मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मुझे सोफा का मतलब कवर चेंज करना है, पूरा बिखरा पड़ा है देख सकते हैं आप, चादर वादर मैंने हटा दिया, नाश्ता किया तो चाय लेके, आज बहुत ज्यादा काम फैला दिया था। लेकिन पता है किचन बहुत गंदा हो रखा था और काफी दिन हो चुके थे किचन को धुले हुए, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ लगे। मेरे साथ पता है क्या है, एक जगह से अगर फ्री होती हूँ तो दूसरे काम में लग जाती हूँ, और होना भी चाहिए ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह से फ्री हूं तो रेस्ट कर लेती हूँ, पता नहीं मेरे में अंदर ये चीज बहुत मतलब कहता है ना कि मतलब गंदी आदत है या फिर कुछ भी, रेस्ट मतलब रेस्ट करना ही चाहिए। तो नाश्ते में कटहल की सब्जी और रोटी, और नाश्ता कहें या मेरा खाना कहें टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी हो रहे हैं 12:45, तो अभी जस्ट मुझे टाइम मिला है, तो बस नाश्ता करने के बाद भाभी को भी दिया मैंने और चाय लेकर आ गई हूँ, चाय पीऊंगी और आराम से यहाँ करूंगी क्योंकि इसमें कोई जल्दी नहीं है, सारी चीज हो गई है, काफी दिनों बाद सफाई में हाथ डाला है तो थोड़ा सा तो फैलेगा ही फैलेगा, तो चलिए चाय पीने के बाद मिलती हूँ। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ का क्लिनिक करने के बाद फिर मैं सारे सोफे के कवर को धोऊंगी और ये छोटे वाले सेंटर टेबल का कवर जो है ये सारी चीजों को धोना है, उसके बाद कहते हैं ना कि घर को मतलब
बनाने को तो सब बनाते हैं, सच बात है, पर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत तकलीफ देती है। तो सुंदर दिखने के लिए जैसे हम लोग अपना मेकअप करते हैं, वैसे घर को भी सुंदर रखने के लिए पॉलिश तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर चाय पीने के बाद मिलती हूँ आप। यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर में जो सोफे का कवर मैंने हटाया है उसी से मैं थोड़े सोफे को मतलब क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मतलब डस्टिंग तो होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब कपड़ा लाने की क्या जरूरत है, इसको धोना ही है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ और सारी सफाई बस हाथ लगे लगे मैंने कर दिया है। जो भी कवर है वो सारे कवर को लगा दूंगी, क्योंकि रुकूंगी तो फिर रुक जाऊंगी। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि दूध बॉयल हो रहा है और मैंने पता है कम करके छोड़ दिया था, और अभी धूप बहुत अच्छी हुई है, आपको तो भी पता है। तो चलते हैं फिर उस तरफ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर और टाइम बहुत ज्यादा हो रखा था, धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे मैं सोफे के कवर को मतलब डालने के बाद मतलब निकालने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मुझे अलग से डालनी रहती है, क्योंकि सोफे का कवर जो है वो एक साथ ही मतलब डाला जाता है। और कुछ कपड़े थे जो कि धुल के सूखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ लगे इसे भी मतलब धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि बारी बारी से निकल जाएगा तो अच्छा ही रहता है। तो बस यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े थे तो मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ बाहर साइड में, और वहां पे मतलब डाल दूंगी ताकि वो सूख जाएगा। उसके बाद जो कपड़े मैं यहाँ पे मैंने डाला है वो भी सूख के निकल जाएगा बीच में, लेकिन लाइट चली गई थी तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, आराम से मतलब धो लेगा, और मतलब धोने के बाद वो शाम को ही मैं उसे अक्सर मतलब निकालू। आपने भी बोला क्या क्या बोल रही है यार, सच में बहुत ज्यादा धूप है, एकदम सिर दर्द करने लगा, और मतलब सूफे का कवर बहुत ज्यादा गंदा हुआ था। एक बार हो चुका है, दूसरी बार मैं चला के आई हूँ और मुझे लग गई है प्यास, क्योंकि कब से मैं घूम रही हूँ उधर से उधर। मेरी मेक क्या बोली अभी तक है, वो कभी कभी हो जाता है, बोली कि भाभी आज आपने किचन में नहीं गई थी ना, इस वजह से आप हम लोगों को इतना दौड़ाती। हम बोले ऐसी बात नहीं है, काफी दिन हो भी चुके थे, तो पानी पी के मिलती हूँ आप लोगों। पी लिया, और पता है मेरे घर में ना ये वाला जो ग्लास है ना काफी सारा है, क्योंकि ये जो ग्लास से एक बार पानी पी लेता ना उसको तो मतलब पूछो मत। और पानी और चाय ऐसी एनर्जी ड्रिंक है ना कि मतलब दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी करते, चाय या फिर कॉफी, मतलब थकने के बाद अगर एक कप अच्छी चाय मस्त वाली मिल जाए ना तो सोचिए कि पूरी थकान निकल जाती है। तो ये बात मेरे साथ है, पता नहीं है आप लोगों के साथ है कि नहीं। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं सोफे का जो कवर है मैं उसे निकालूंगी शाम को। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है तो अभी धूप में जाना पॉसिबल नहीं है, और मतलब तार पे जगह भी नहीं है जहां हम लोग कपड़े डालते हैं। तो माँ भी बोली कि छोड़ो निकलो, कब से उनको भी लग रहा था कि मैं कब से इधर उधर घूम रही हूँ। तो चलिए बनाती हूँ एक कप कॉफी और अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। और पता है भाभी है नहीं, भाभी गई है कन्हैया को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि कन्हैया को थोड़ी सी फीवर आ रही थी। तो भाभी बोली कि मैं नहीं, बोला भाई बोली तुम चले जाओ, मैंने बोली नहीं नहीं आज मुझे बहुत काम है इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी, तो प्लीज आप ही चले जाइए। तो वो भाभी और क्या बोलते हैं गंगा जी, ये सारे लोग गए हुए हैं और फैन चल रहा है, अच्छा लग रहा है फैन में पता है बैठना, पर यहाँ कहीं इधर का ऑन करूंगी, थोड़ी देर देख लेती हूँ आ जाएंगी भाभी, तो साथ में ही पियेंगे कॉफी। और ये पता है आजकल इनका रूटीन जो है ना एकदम बिगड़ा हुआ है, दरअसल सुबह से आप सोच लीजिए कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं नाश्ता खाना कुछ नहीं लिया है, और अभी कहाँ है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगी तो पूछूंगी, अच्छा चलो मिल तो गया, फोन यहीं पे है, और बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कि कहाँ पे हैं ये। एक साथ इतनी सारी बातें कर ली आप लोगों से, हो जाता है सुकून मिलता है, पता है घर पर साफ ऑफ हो जाता है तो पता है मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है। कभी कभी लगता है कि हाँ करना है, हो जाता है। काफी दिनों बाद किया है मैंने इतने सारे मतलब सफाई फाई का जो भी काम है, और अच्छा लग रहा था। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, और
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और शेयर भी करना। तो चलिए फिर बाय बाय।